यार बॉलीवुड के बुद्धिजीवियों की तरफ से एक और ज्ञान की गंगा हमारी तरफ फेंकी गई है भाई साहब। एक नई मूवी आ रही है जिसका नाम है डबल एक्सल, और इसमें इन्होंने हमें ज्ञान देने की कोशिश करी है कि बॉडी शेमिंग जो हमारी सोसाइटी में होती है वो यार बहुत ज़्यादा गलत है। मोटी लड़कियों को हम गलत नज़रिए से देखते हैं, उनके हम सपनों को रोनते हैं, हम उन्हें रोज टोकते हैं, इस पे हमें ज्ञान पेला गया है और एक तरीके से हमारी सोसाइटी को जो है वो उन्होंने टारगेट किया है। इस मूवी में लीड रोल में हुमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा है, और दोनों ने भाई अपना वजन अच्छा खासा बढ़ाया हुआ है। पर मेरा इनसे ये सवाल है कि अगर इन्हें इस कॉन्सेप्ट पे मूवी बनानी है तो आप नॉन फेस क्यों यूज़ कर रहे हो? आप भारत में तो आपको बहुत सारी ओवरवेट लड़कियाँ मिल जाएंगी, आप उन्हें लेके मूवी बनाओ, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें सोसाइटी नहीं सुधारनी है, उन्हें सिर्फ पैसा कमाना है। उनका लक्ष्य है पैसा कमाना और सोसाइटी में जो है वो भ्रम फैलाना है। ये खुद तो एक्सरसाइज को इतना ज़्यादा प्रमोट करेंगे, लेकिन ये जब आएगी बात मूवी बनाने की तो ये दिखाएंगे कि यार ये हमारा अधिकार है, हम मोटे रह सकते हैं। तो ये मूवी जो है इसमें इसी तरीके का कॉन्सेप्ट दिखाया है कि लड़कियों के दिमाग में ये हम जैसे भी हैं, हमें लोग ऐसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। मतलब ये वही बात कर रहे हैं कि भाई हम तो अनफिट रहेंगे, हमें फिट होना ही नहीं है, ये मतलब सोसाइटी में घुसाना चाह रहे हैं। और इसे ये बात कर रहे हैं फेमिनिज्म का रूप दे रहे हैं या लिबरल का रूप दे रहे हैं, तो भाई इनकी सोच तो भाई टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहती है हमेशा ही। खैर बात कर लेते हैं इसके ट्रेलर की। तो भाई ट्रेलर में दिखाया है कि जो एक हुमा कुरैशी लड़की है वो मेरठ की रहने वाली है और वो भाई स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनना चाहती है, पर उसके घर वाले उसकी शादी कराना चाहते हैं और भाई मेरठ में लड़का ढूंढ रहे हैं, तो भाई लड़के जो है उसे इग्नोर कर रहे हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो रिश्ता, क्योंकि भाई वो थोड़ी सी हेल्दी है, ऐसे कह के उसे छोड़ देते हैं। तो भाई फिर वो जाती है दिल्ली में एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनने, वहां पे भी उसे नौकरी नहीं मिली और भाई वो जो है वहां पे बहुत ज्यादा हताश हो गई, रोने लग गई। पैरेलली एक और लड़की की कहानी दिखाई है जो सोनाक्षी सिन्हा है, वो एक फैशन डिजाइनर है और वो भाई उसका बॉयफ्रेंड से उसकी लड़ाई हो जाती है या उसे वो धोखा दे देता है उसकी ओवरवेट होने की वजह से, तो भाई वो भी डिप्रेस है। अब दोनों लड़कियां मिल जाती हैं और वो आपस में कुछ काम शुरू करती हैं और वो लंदन चली जाती हैं। फिर वहां पे वो जाके वहां पे दिखाया है कि वो एक नई जीवन शुरू करती हैं। ट्रेलर को एंगेजिंग बनाने के लिए इन्होंने शुरू में शिखर धवन की थोड़ी सी कैमियो दिखाया है, मतलब एक शिखर धवन का रोल है मूवी में, और भाई उसके बाद लास्ट में एक डबल मीनिंग डायलॉग के साथ एंड किया है ट्रेलर को। एक्टिंग की अगर बात करूं तो हुमा कुरैशी की एक्टिंग तो फिर भी थोड़ी सी ठीक है, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा ने तो भाई बिल्कुल ही घटिया काम कर रखा है। ना तो उनकी लुक अच्छी लग रही है और ना भाई उनकी एक्टिंग कोई देले की लग रही है। तो भाई मुझे तो ट्रेलर बहुत ही बकवास लगा, और जो इनकी सोच है, जिस सोच से ये मूवी को बना रहे हैं, वो तो और भी ज्यादा घटिया है। इसीलिए यार मैं हमेशा कहता हूं कि बॉलीवुड वाले हैं ना, ये इस धरती का हिस्सा नहीं है। इनकी तो यार मैं सोच आज तक समझ ही नहीं पाया। खैर यार तुम्हारा ट्रेलर के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का यार लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।